समीकरण दिया हुआ है तो दो चरों वाला समीकरण है, उसमें हमें चार हल याद करने हैं। और हमें पता है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। उसी प्रकार हमें यह भी पता है कि एक चर वाला यानी एक चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल का मतलब है कि उसका जो सॉल्यूशन होगा वो केवल और केवल एक ही होगा, यानी उसका जो हल होगा, हल निकलेगा, आंसर आएगा, केवल एक ही आएगा। जैसे x प्लस वन बराबर जीरो, ये ax प्लस बी के रूप में एक चर वाला एक रैखिक समीकरण है। और जब x वन को उधर ले जाते हैं तो x बराबर माइनस वन हो जाता है, और जब हम माइनस वन यहाँ रखते हैं तो माइनस वन प्लस वन बराबर जीरो हो जाता है। तो जो माइनस वन वैल्यू है वो इस समीकरण को संतुष्ट कर रही है, तो वही इसका हल होता है। हल वही होता है जो उस समीकरण को संतुष्ट करे। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसी आधार पर अब हम पढ़ेंगे कि समीकरण एक्स प्लस दो वाई बराबर छः के चार अलग अलग हल याद कीजिए। देखिए अब हम इस समीकरण के चार अलग अलग हल याद करते हैं। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को देखते हैं और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है दो चरों वाले रैखिक समीकरण की क्या होती है, तो देखिए सबसे पहले हम इसे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखिए x प्लस टू वाई बराबर छः, जिसे हम इस तरीके से लिखेंगे कि x प्लस टू वाई माइनस छः बराबर जीरो, इसे हमने लिख लिया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में। a बराबर एक हो गया, b बराबर दो और c बराबर माइनस छः। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस प्रकार से इसे सेट करना है कि x की वैल्यू एक तरफ हो जाए और y की वैल्यू एक तरफ हो जाए। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि x बराबर, जब हम दो को उधर ले जाते हैं दो y को, तो ये माइनस का हो जाएगा, और छः को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे छः माइनस दो वाई, इस तरह का हमारा ये एक इक्वेशन बन जाता है। अब इसमें हमें क्या करना है कि y की वैल्यू पुट करनी है और x की वैल्यू इसके संगत निकल के आएगी। यदि किसी भी एक चर को हमें इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेना है, इधर हम y भी रख सकते थे और अब हम y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल के आएगी। जैसे हमने y बराबर रखा कितना, जीरो। जब y बराबर हम जीरो रखते हैं तो x बराबर हमारा कितना आएगा, दो इंटू जीरो, और छः में से जीरो गया तो छः ही बचेगा। फिर हम उसमें पुट करके देखेंगे कि जब हम इन दोनों x और y की वैल्यू रखने पर यहाँ पर ये समीकरण यदि संतुष्ट हो रहा है, यानी x और y की वैल्यू रखने पर यदि छः आ जाता है इधर भी, तो ये उसके क्या होंगे, हल होंगे। तो देखिए अब हम इस प्रकार की संख्या लेते हैं कि दोनों जगह रखने पर हमें जीरो प्राप्त हो जाए। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर यदि y की वैल्यू कितनी लेते हैं, y की वैल्यू हम यहाँ पर जीरो लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आती है, छः निकल के आती है। और जब y की वैल्यू हम जीरो यहाँ रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और x की वैल्यू छः रखेंगे तो यहाँ पर छः आ जाएगा, जो हमारे समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो देखिए y बराबर हमने लिया क्या, y बराबर जीरो रखने पर, y बराबर जीरो रखने पर, y बराबर जीरो रखा है हमारा, तो हो जाएगा छः इंटू दो माइनस, छः माइनस दो इंटू जीरो, तो x बराबर हो जाएगा कितना, छः हो जाएगा हमारा। देखो x बराबर छः आया है और y बराबर कितना रखा हमने, y बराबर रखा था हमने जीरो। तो हम यहाँ एक टेबल बना के इस प्रकार से लिख देते हैं कि ये x है और ये हमारा y है, और हमें इन दोनों के कितने मान निकालने हैं, चार हल निकालने हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से हम इन्हें लिख देते हैं, ये यहाँ पर हमने y बराबर क्या रखा था, जीरो रखा था, और हमारा x बराबर छः निकल के आया है, जो हमारे समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। देखिए अब हम x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर छः रखेंगे और y बराबर जीरो रखेंगे, तो हमारा छः बराबर छः हो जाएगा।
एक तरीके से हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे कि एक वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या 6.0, यानी हमारी एक जो हल है वो निकल के आ गया है। इस तरह के हमें चार हल निकालने हैं इस समीकरण के। अब हम दोबारा से रखते हैं, तो अब हम रखते हैं कि x बराबर y बराबर 0 रख लिया। अब y बराबर 1 रख कर देखेंगे, जब हम y बराबर 1 रखेंगे तो ये y बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर y बराबर 1 हो गया और 2 एकम 2, 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो देखिए y बराबर 1 रखने पर, यहाँ पर y बराबर 0 रखा है, y बराबर 1 रखने पर y बराबर जब हम 1 रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, तो हमें प्राप्त होता है x बराबर 6 - 2 × 1, तो x बराबर हमें 4 प्राप्त होता है। x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है, 4। तो हमारा दूसरा हल निकल के आता है। पहले हम इसमें सेट करके देखते हैं इसे कि हमने y बराबर क्या रखा, 1 रखा, y बराबर 1 रखा और x बराबर 4 हमें प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हम इसे लिख देंगे। अब हम चेक करके देखेंगे कि क्या x बराबर 4 और y बराबर 1 रखने पर हमारा समीकरण संतुष्ट होता है। तो देखिए x बराबर 1 रख, x बराबर रखेंगे कितना 4, तो यहाँ जाएगा 4, y बराबर 1 रखेंगे तो 2 × 1, 4 और 2 6, इसका मतलब हमारा समीकरण संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा हल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4.1, ये हमारा दूसरा हल हो जाता है। इसी प्रकार अब हम इधर लिखते हैं अगला, अब हमें रखना है y बराबर 3। y बराबर जब हम 3 रखते हैं तो ये कितना हो जाता है, 3 × 6, और x बराबर हमारा 6 निकल के आता है। y बराबर 0 रखा है, 1 रखा है और अब 2 रख लेते हैं, तो y बराबर 2 × 4 यहाँ पर रख देते हैं, तो x बराबर कितना आता है, 2 आता है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं y बराबर 2 रखने पर, किसमें, समीकरण 1 में, y बराबर जब हम 2 रखते हैं यहाँ पर 2, तो ये जो इक्वेशन है इसमें y बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 6 - 2 × 2, क्योंकि हमने y की वैल्यू क्या रखी है, 2 रखी है, और यहाँ पर क्या रखी थी, 1 रखी थी, और यहाँ पर हमने y की वैल्यू 2 रखी है, तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो x बराबर हो जाएगा 6 - 4 और यहाँ पर आएगा 2। x की वैल्यू 2 आई है y की वैल्यू 2 रखने पर, यानी कि 2 और 2, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2.2, क्योंकि जब हमने y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू भी 2 आई है। अब हम इसे चेक करके देख लेते हैं कि क्या हमारे दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, यानी कि हमारा समीकरण संतुष्ट हो रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम 2 रखते हैं और यहाँ पर भी 2 रखते हैं, तो 2 × 4 और 4 और 2 6, इसका मतलब हमारा ये भी सही है। अब हमारा एक हल और निकालना हमें बस, तो x बराबर y बराबर 2 ले लिया, अब y बराबर हम यहाँ पर क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, तो 3 × 6 हो जाएगा और 6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, तो x बराबर 0 आ जाएगा और y बराबर 3। अब देखिए कि हमारा समीकरण संतुष्ट होता है कि नहीं। यहाँ पर हम लिखते हैं y बराबर 3 रखने पर, y बराबर 3 रखने पर, जब हम y बराबर 3 रखते हैं समीकरण 1 में, ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 है ये, इसमें y बराबर 3 रखते हैं तो y को हटा के 3 रखेंगे तो 3 × 6 और 6 में से 6 जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 6 - 2 × 3, तो x बराबर 6 - 6, तो x बराबर कितना आया, 0 आया हमारा। जब हमने y बराबर रखा 3 तो x बराबर आया 0, क्या ये इस समीकरण का हल है, तो देखिए है कि नहीं। पहले 0.3 हम यहाँ पर लिख देते हैं। इस प्रकार से हमारे चार हल हो जाएंगे यदि हमारा ये 0.3 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा तो। तो देखिए x बराबर 0 रखा और y बराबर कितना, 3 रखा, तो 3 × 6, 6 = 6, क्योंकि 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। इसका मतलब हमारे ये चारों हल कंप्लीट सही निकले हैं। तो ये हमारे कितने हल हैं, 1 एरा 2 एरा 3 एरा और 4 हल एरा, इस प्रकार से हमें 4 हल प्राप्त
हुए हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इधर ऐसे लिखने का मतलब ये है कि ये x होगा पहला वाला, दूसरा वाला y होगा। देखिए x यानी 6.0, 4.1, 2.2, यहाँ पर x और y दोनों का मान 2-2 है। इस प्रकार 0.3, ये सारे इस दिए गए दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल हैं। और हम जानते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, जबकि एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल एक ही हल होता है। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से रख रख के निकालेंगे। यदि हमने कुछ, जैसे हमने यहाँ पर y बराबर रख दिया 8, तो 8 × 16, तो x यहाँ पर हम y बराबर 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 × 16 हो जाएगा, और 16 में से 6 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, यहाँ पर माइनस के 10 बचेंगे, जो यहाँ पर इसको संतुष्ट नहीं करेगा। क्योंकि जब हम यहाँ पर 8 रखेंगे, यहाँ पर 16 रखेंगे और यहाँ पर कितना माइनस वो रखेंगे, तो हमारा आंसर नहीं आएगा। यानी कि हमें सिर्फ ये समीकरण संतुष्ट करवाना है। जैसे मैं यहाँ पर एक आपको करवा के बता देता हूँ कि जो इसको संतुष्ट नहीं करता हो वो इसका हल नहीं होगा। जैसे मैं एक्स वाई बराबर ले लेता हूँ, कितना वाई बराबर ले लिया मैंने 5, जैसे वाई बराबर मैं 5 ले लेता हूँ, वाई बराबर 5 रखने पर, वाई बराबर 5 रखने पर, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ तक हो चुका है। तो वाई बराबर 5 लूंगा समीकरण एक में, तो 5 × 10, तो एक्स बराबर हो जाएगा अपना 6 − 10, और 6 में से 10 जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे। अब देखिए यहाँ पर बनता है एक्स बराबर −4 और वाई बराबर कितना 5। ये हमारा यहाँ पर एक हल इसका है कि नहीं, हम जांच करेंगे कि x बराबर −4 और y बराबर जब हम 5 रखते हैं तो ये इस समीकरण का हल है कि नहीं। तो जब हम x बराबर −4 रखते हैं तो यहाँ 4 × 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पर हम क्या रखेंगे, y बराबर रखेंगे 5। देखिए हम इसको यहाँ पर चेक करके बता देते हैं कि x प्लस 2y बराबर कितना है, 6 है। अब हम x बराबर −4 रखते हैं, यानी कि यहाँ पर −4 रख दिया हमने, प्लस 2 × y बराबर कितना रखा, 5 रखा। अब देखिए 10 में से यदि 4 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 6 हमारे बच जाते हैं। इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। देखिए 5 × 10 और 10 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, और 6 ही हमारे इधर है। इस प्रकार से हमारा ये भी समीकरण संतुष्ट होता है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और इस प्रकार यदि इसको संतुष्ट ये नहीं करता है तब हम कहेंगे कि ये इस समीकरण को, देखा है कि दो चर वाले रैखिक जो समीकरण होते हैं उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, लेकिन एक चर वाला जो कोई समीकरण होता है उसका अद्वितीय हल होता है, यानी केवल एक ही हल होता है। तो सबसे पहले हमें इसे मानक रूप में लिखेंगे, और जो दो चरों वाले मानक समीकरण होते हैं, दो चरों वाले समीकरण होते हैं, उनका मानक यानी स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, तो उनका स्टैंडर्ड रूप ax + by + c = 0 के रूप का होता है। तो इसे सबसे पहले हम इसे मानक के रूप में लिखेंगे। तो हम इसे 4x + 3y = 12 को, इसको हम लिखते हैं किसमें, 4x + 3y −12 = 0, ये हो जाता है हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में बराबर 0। यहाँ पर a बराबर 4 है, b बराबर 3 है, और c बराबर 12 है। इस प्रकार से ये हमारा मानक रूप में चेंज हो गया है। हमने ऐसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिख लिया है, जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक मानक रूप है। अब हमें इसका हल याद करना है। हल का मतलब होता है कि हम x और y की क्या वैल्यू रखें कि इधर भी 12 आ जाए, क्योंकि इधर ऑलरेडी 12 है, तो बीच में बराबर का चिन्ह संतुष्ट कब होता है, जब दोनों तरफ एक जैसी संख्या होती है, यानी समान संख्या होती है। तो यहाँ 12 है, तो x और y की क्या वैल्यू रखें कि इधर भी 12 आ जाए। तो हम जानते हैं कि इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी x और y की ऐसी अपरिमित वैल्यू होंगी जिनको रखने पर इधर 12 आ जाएगा। तो हमें सिर्फ दो हल याद करने हैं, कि आप यहाँ पर लिख रहा है दो हल याद कीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको मैनेजमेंट करेंगे, x एक तरफ रखेंगे और y एक तरफ रखेंगे। तो देखिए
हम क्या करते हैं कि चार एक्स बराबर ये 12 इधर है ही और इसमें से 3 वाई को इधर घटाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। इसके बाद एक्स इधर रह जाएगा और इधर हो जाएगा 12 माइनस 3 वाई अपॉन ये हो जाएगा 4। 4 का इधर इसमें भाग लग जाएगा। जब इधर इसमें 4 का भाग लग जाता है तो ये समीकरण नंबर हमारा 1 बन जाता है। अब हम समीकरण 1 में ऐसी वैल्यू y की जगह पर जो वैल्यू रखेंगे वो 4 से कट जानी चाहिए 12 में से घटाने पर, तो वो x का हमारा मान निकल के आएगा। इस प्रकार हमारा x और y का मान निकल के आएगा। जैसे मैं यहाँ पर रखता हूँ कि y की वैल्यू यदि मैं रख देता हूँ 0, y की वैल्यू 0 रखने पर, तो यहाँ पर देखिए y बराबर 0 रखने पर, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम इस प्रकार से समीकरण बनाकर रखें, डायरेक्ट बनाकर सीधे चेक कर सकते हैं, मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो देखिए एक्स वाई की जगह रखते हैं हम क्या 0, तो एक्स बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 0 बटे 4। अब देखिए एक्स बराबर 12 में से 3, 12 में से कितना जाएगा 0, तो क्या बचेगा 12 ही बचेगा जो अपना आ जाएगा, फिर एक्स बराबर 3 आ जाएगा। इस प्रकार हमें एक्स बराबर कितना प्राप्त हुआ है 3 प्राप्त हुआ है। जब हमने वाई बराबर रखा कितना, y बराबर जब हमने रखा है कितना 0, तो हमें x बराबर 3 प्राप्त हुआ है। अब हम चेक करके देखेंगे कि क्या हम एक y बराबर 0 रखें और x बराबर 3 रखें तो क्या इधर 12 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए y बराबर 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, x बराबर 3 रखेंगे तो 4 * 12 12 बराबर 12, इसका मतलब ये समीकरण इसको संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक टेबल बना के इस प्रकार से, क्योंकि हमें कितने हल याद करने हैं, 2 हल याद करने हैं x के और y के। इस प्रकार हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारा x बराबर क्या रखा हमने, y बराबर हमने 0 रखा है तो x बराबर हमारा 3 आया है, और इस प्रकार से हमारा एक हल हो जाएगा 3, 0 हमारा एक हल हो चुका है। दूसरा हल अब हम याद करेंगे, y बराबर रखेंगे क्या 1, y बराबर 1 रखने पर, यानी ये भी देख लेते हैं हम कि y बराबर 1 रखने पर हमारा 4 से कटेगा कि नहीं। जब हम y बराबर यहाँ 1 रखते हैं तो ये 3 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, और 9/4 जो होगा वो 9/4 यदि हम x की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 4 × 9/4 4 से 4 कट गया, यहाँ पर 9 बचेगा और y बराबर 1 12 तो आ जाएगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे यहाँ पर y की वैल्यू 1 रखेंगे, तो y की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x बराबर हमारा आता है 12 - 3, तो x बराबर कितना आ जाता है 9/4, x हमारा कितना आ जाता है 9/4। तो हम लिखेंगे कि y की वैल्यू जब हम 1 रखते हैं तो x की वैल्यू 9/4 आती है। तो इस प्रकार से हमारे ये दो हल हो जाते हैं कि 3, 0 और 9/4, 1, क्योंकि जब हम इसमें 9/4 यहाँ पर रखते हैं x की वैल्यू तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 9 और 3 = 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस वाले समीकरण के दो हल याद कर लिए हैं। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा उसके हम हल याद करते हैं। तो दूसरा है इसी एग्जांपल में 2, 3 दिए हुए हैं, तो इसका दूसरा है हमारा 2x + 5y = 0। दूसरे को जब हम हल करते हैं तो 2x + 5y = 0। इधर हम तीसरा भी लिख लेते हैं कि तीसरा है 3y + 4 = 0। तीसरा यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि 3y + 4 = 0। अब इनको हम हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसे ax + by की फॉर्म में लिखते हैं, यानी 2x + 5y + 0 = 0। ये हमारा स्टैंडर्ड रूप में चेंज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, x को एक तरफ रखेंगे और y को एक तरफ, तो 2x = -5y हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -5/2 × y। अब हम ये हमारा समीकरण एक हो गया, इसमें अब हम y की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, y बराबर 1 रखने पर हमारा x बराबर क्या प्राप्त होगा -5/2 प्राप्त होगा।
तो हम यहाँ पर एक और टेबल बनाएंगे, पहले वाले की है, दूसरे वाले क्वेश्चन की दूसरी टेबल हम यहाँ पर ऐसी बनाएंगे, एक्स और वाई लिखेंगे। और हम देखते हैं कि जब हमने एक्स वाई बराबर एक रखा है तो हमारा एक्स बराबर माइनस पांच बटे दो आया है। अब देखिए हम वाई बराबर यदि क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं, तो समीकरण एक में वाई बराबर जीरो रखने पर, समीकरण एक में वाई बराबर जीरो रखेंगे तो हमारा एक्स बराबर कितना आएगा, समीकरण एक ये रहा वाई बराबर जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो एक्स बराबर भी जीरो हमारा आएगा। यानी कि वाई बराबर जीरो रखा तो एक्स बराबर भी जीरो आया और हमारे दो हल प्राप्त हो जाते हैं, माइनस पाँच बटे दो कोमा एक, और इधर हो जाता है हमारा जीरो कोमा जीरो, ये दो हल हमारे प्राप्त हो जाते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर, मतलब एग्जाम्पल का जो दूसरा है वो है तीसरा पार्ट, इसका तीसरा पार्ट है वो है थ्री बाई प्लस फोर बराबर जीरो, थ्री बाई प्लस फोर बराबर जीरो हमारा दिया हुआ है। इसे हमें सबसे पहले रैखिक समीकरण के मानक रूप के अनुसार चेंज करना है, तो हम इसे करेंगे कि एक्स प्लस बी बाई प्लस सी बराबर जीरो, ये जो रूप होता है इसमें जब चेंज करते हैं तो ये हो जाता है, कैसे, एक्स यहाँ पर है नहीं है तो जीरो इंटू एक्स प्लस तीन बाई और प्लस चार बराबर जीरो, इस प्रकार से कुछ ये हमारा हो जाता है। और यहाँ पर जो बारह था उसको हम इधर ले गए थे तो वो किसका हो गया, माइनस का हो गया था, देखिए यहाँ पर, लेकिन ये इधर है तो ऑलरेडी ये इधर ही रहेंगे। इस प्रकार से हमें ये इसकी मानक रूप प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि थ्री वाई को जब हम इधर ले जाते, यानी कि एक्स की हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो वाई की हमें वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखिए एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो थ्री वाई बराबर माइनस चार हो जाएगा, वाई बराबर माइनस चार बटे तीन। अब देखिए ध्यान से कि एक्स की वैल्यू हम जीरो रखते हैं तो वाई की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, माइनस चार बटे तीन, यानी एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, वाई की वैल्यू हमें चार माइनस चार बटे तीन ही प्राप्त होगी। जैसे मैं यहाँ पर एक रख देता हूँ तो भी जीरो हो जाएगा, दो रखूंगा तो भी जीरो हो जाएगा, तीन जीरो, यानी मैं जो भी वैल्यू रखूंगा वो जीरो हो जाएगी, यहाँ पर ये जीरो हो जाएगी तो बचा क्या, ये बचा, तो थ्री वाई बराबर माइनस चार और वाई बराबर माइनस चार बटे तीन हमारा आता जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, हम इस प्रकार एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। अब हम लिखते हैं यहाँ पर तीसरे वाले का आंसर, यहाँ पर एक्स और वाई के रूप में मान लेते हैं इस प्रकार से। अब हम देखते हैं कि x बराबर हम कुछ भी रख दें, y बराबर माइनस चार बटे तीन ही आएगा, तो x बराबर जीरो रखेंगे, y बराबर माइनस चार बटे तीन, x बराबर एक रखेंगे, y बराबर माइनस चार बटा तीन। तो इस प्रकार से हम x बराबर हमने जीरो रखा है तो y बराबर क्या आया है, माइनस चार बटा तीन। इसी प्रकार जब x बराबर हमने एक रखा तो y बराबर भी माइनस चार बटे तीन हमारा प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू है ही नहीं तो उसको यहाँ पर जीरो इंटू एक्स मानेंगे जो जीरो हो जाएगा ऑलरेडी हमारा, और y ही बचेगा तो x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो वो जीरो ही आएगी, और y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस चार बटे तीन आएगी। x की वैल्यू जीरो रखा, y की वैल्यू ये आया, x की वैल्यू एक रखा और ये माइनस चार बटे तीन आया। इस प्रकार से ये जो हैं दो हल हैं, तीसरे के दूसरे के दो हल हैं और ये पहले के दो हल हैं। इसी प्रकार हमने दिए गए सभी समीकरणों के दो दो हल प्राप्त कर लिए हैं और डिटेल में भी समझा दिया है। यदि हम चाहते तो इसे एक मिनट में करा सकते थे, कैसे कि डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखो यहाँ पर और इधर बारह आ जाए तो वही उसका हल होगा, तो थ्री कोमा जीरो जब यहाँ पर लिखेंगे तो बारह आ जाएगा, नौ बटे चार कोमा एक लिखेंगे तो यहाँ पर बारह आ जाएगा। इसी प्रकार हमने सिर्फ यहाँ दो दो हल प्राप्त किए हैं, इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।